गाइज ऑलमोस्ट स्टूडेंट के एलडीसी की टाइपिंग को लेके बहुत सारे क्वेश्चन थे। सो आज हम इस वीडियो में उन सभी डाउट को क्लियर करेंगे और आज हम बात करेंगे एनटीए विश्व भारती में जो अभी एग्जाम हुआ था एलडीसी या यूडीसी या ऑफिस असिस्टेंट के लिए बोल सकते हो या फिर टाइपिस्ट के लिए बोल सकते हो, जो अभी आपका रिसेंटली एग्जाम हुआ था उनकी टाइपिंग आपको कैसे करनी है, कैसे आपको अपना प्रिपरेशन करना है और कैसी टाइपिंग चाहिए, इसमें कितने वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग चाहिए, हिंदी और इंग्लिश किस में आपकी टाइपिंग हुई। सो बच्चों आपका एग्जाम क्लियर होने के बाद आपके पास अभी टाइम है, अभी आपको डेढ़ मंथ मिलने वाला है कि आपको डेढ़ मंथ के अंदर अपनी टाइपिंग आप सही कर सकते हो, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद एटलीस्ट आपको यहाँ पे 20-22 दिन भी मिलेंगे। अगर आप चाहते हो तो कि 20-22 दिन में टाइपिंग आपकी हो जाए, वो आपकी हो जाएगी। टाइपिंग करना इतना बड़ा काम नहीं है, आप दिन रात मेहनत करोगे, दिन रात प्रैक्टिस करोगे तो टाइपिंग क्या कुछ ना कुछ और भी आ जाएगा। टाइपिंग के साथ साथ आप दूसरी लैंग्वेज की भी टाइपिंग सीख सकते हो, ठीक है। देखो गाइज आपको जो है 35 वर्ड्स पर मिनट की जो टाइपिंग है आपको जो है इंग्लिश में करनी है। ओनली ये टाइपिंग आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी है, हिंदी में आपको टाइपिंग नहीं करनी। यहां तक क्लियर हुआ? ओनली इंग्लिश में आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी या किस में आपकी टाइपिंग होगी, लैंग्वेज क्या रहेगी, फॉन्ट क्या रहेगा। तो इंग्लिश का तो फॉन्ट आपको पता है, वर्ल्ड वाइड फॉन्ट है, सेमी फॉन्ट आपका रहने वाला है, तो इंग्लिश में आपको टाइपिंग होगी, ठीक है। 35 मतलब एक मिनट में आपको 35 वर्ड्स लिखने हैं। तो अगर आपको मिनिमम कितने वर्ड कितने मिनट तक टाइपिंग करनी, ओनली 4 से 5 मिनट तक टाइपिंग होती है। अगर इन्होंने मांगा कि 10 मिनट तक टाइपिंग आपको करनी है, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 10 मिनट से नीचे ही टाइपिंग रहेगी। भाई एनटीए जो है कुछ भी कर सकता है क्योंकि इसका जो एग्जाम पैटर्न रहता है बहुत हार्ड रहता है, हो सकता है 10 मिनट, इससे ज़्यादा आपको टाइपिंग नहीं करनी है। अगर 10 मिनट रही आपको तो इसमें जो है 350 वर्ड्स आपको ओनली लिखने होंगे। और गाइस ये आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप लेटर लिखोगे तो आपको कोई भी सेंटेंस जंप नहीं करना है, आपको कोई भी लाइन आपको जंप नहीं करनी है। सपोज करो आप फर्स्ट लाइन से लिख रहे हो तो आपने सेकंड वाली लाइन जो है वो मिस करके थर्ड वाली लाइन पर पहुँच गए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। कोई भी वर्ड आपको गलत नहीं लिखना है, यहाँ पे जो ग्रामर मिस्टेक रहती है वो भी आपको नहीं करनी है, जो भी वर्ड्स एरर रहती है वो भी आपको नहीं करनी है, जो भी पॉइंट बिंदु आपको मिलेगा वो आपको लगाना है, कोमा आपको मिलेगा वो आपको लगाना है, यानी हूबहू सेम पैराग्राफ आपको ऐसा दिया जाएगा वो आपको लिखना है। और एक ट्रायल पैराग्राफ भी होगा, पहले आपका एक ट्रायल पैराग्राफ आएगा, फिर आपको एक जो मतलब फाइनल पैराग्राफ आएगा जो आपको टाइपिंग करना है, ऐसे आपको टाइपिंग करनी है। अब इसमें मिस्टेक कितनी करनी है, देखो नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिख रहा कि 10% मिस्टेक जो है एडमिशेबल रहेगी, कि 10% मिस्टेक आपको करनी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। फिर भी देखो ऐसा रहता है कि मेरिट लिस्ट तो इसकी जो है वो लो रहेगी क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बंदे लिए जाएंगे टाइपिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा रहेगा जो भी स्टूडेंट 35 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे नहीं निकाल पाया है, 35 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे जो है उनकी जो एक्सेप्टेशन है यानी जो उनकी वैकेंसीज को फुलफिल नहीं कर रहे हैं 35 वाले, तो इसका जो है क्राइटेरिया वो घटा देगी, मतलब 30 वर्ड्स पे आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी। लेकिन 35 वर्ड्स पर मिनट इजी है तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट कर लेंगे। अब प्रिपरेशन की कैसे करनी, बच्चों न्यूज़पेपर ले लो और जितने भी न्यूज़पेपर से आपको टाइपिंग करनी है, सपोज करो ये आपका सिस्टम है, सिस्टम के सामने आपको न्यूज़पेपर को हैंग कर लो या पिन कर लो, कुछ भी कर लो, आपको न्यूज़पेपर लेना है, एक छोटा सा कटिंग लेना है, उसका पूरा फोकस आपको यहाँ पे टाइपिंग करना है। अगर आप उसमें 35 to 40 वर्ड्स टाइपिंग कर लोगे, 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग आप कर लोगे तो यहाँ पे आप जो है 35 निकाल पाओगे। ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग निकाल रहे हैं लेकिन एग्जाम में आपकी हालत खराब हो जाएगी। भाई वो आपका कीबोर्ड है, ठीक है, उनका कीबोर्ड भाई बटन जाम है, बटन में डस्ट फैला हुआ है, दो बार प्रेस करने पर यहाँ पे एक मतलब दो बार प्रेस करने पर एक वर्ड यहाँ पे लिखा जा रहा है, तो ये भी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ेगी। बहुत सारी सिचुएशन है जो आपको फेस करनी है, ठीक है। न्यूज़पेपर ले लो, उसमें क्या रहेगा आपके जो है स्मॉल स्मॉल वर्ड आपको दिखेंगे, ठीक है, लाइन भी आपको छोटी छोटी दिखेगी। अगर आप उस पर अच्छे से फोकस करके अच्छी से टाइपिंग निकाल लोगे तो आपके बटन भी जैम करेंगे ना, तो भी आप यहाँ पे टाइपिंग निकाल लोगे और अभी से लग जाओ। अगर आपके यहाँ पे जो है आपके 105 क्वेश्चन के आसपास सही लग रहे हैं तो अभी से आप लग जाओ टाइपिंग करने के लिए, क्योंकि अभी आपने बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे। रिसेंटली इग्नू जाट का भी फॉर्म आपने भरा होगा, उसका भी अभी एग्जाम हुआ है
ठीक है। और गाइस आप अभी एसएससी स्टेनो के भी फॉर्म भरेंगे, टाइपिंग को लेके बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है, इवन यूपी ट्रिपल एससी की भी वैकेंसीज आ चुकी है जूनियर असिस्टेंट की, इसका भी आप फॉर्म भरोगे। तो टाइपिंग को लेके आप अगर अभी से सीरियस रहोगे तो आगे आने वाले 2 साल में आपका कोई लॉस नहीं होने वाला है। एग्जाम के फिर एग्जाम के साथ साथ आप जो है टाइपिंग का भी प्रिपरेशन करें तो आपका हैंग ऑन एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, जिससे कि आप जो है अच्छे से आगे अपनी टाइपिंग कर सकते हो। जरा से भी आपको यहाँ पे डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है गाइस। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।